हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल फिट एंड फ्लेक्सिबल। आज मिलेट डाइट फॉर वेट लॉस का है डे 58। आज 58 डेज पर है हम, और आज मैं आपको फुल बॉडी के 3 एक्सरसाइज से बताऊंगी, और आप अपने कैपेसिटी से 5-5 का सेट या 10-10 का या 20-20 का और 25-25 के 3 सेट भी आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। पूरी बॉडी हमारी इसमें एक्सरसाइज में आती है। चलो तो आपको बताती हूँ, उसके पहले हमें वार्म अप कर लेना है। वार्म अप के बाद आफ्टर एक्सरसाइज हमें स्ट्रेचिंग भी करना है। ये बात हमें हर टाइम ध्यान में रखनी है। चलो तो ज्यादा टाइम नहीं बिताएंगे हम, जो 3 एक्सरसाइज है वो आपको मैं 5-5 टाइम्स करके बताती हूँ। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पे मैंने मैट बिछाई है, देखो आप लोग। और फर्स्ट आफ्टर वार्म अप हमें कौन सी एक्सरसाइज पहले करनी है, तो ये जो शशांकासन और भुजंगासन है वो हमें करना है। उसके लिए फर्स्ट हमें हाथ ऊपर लेके जाना है, जितना हो सके उतना ऊपर की ओर हमें स्ट्रेच करना है, और धीरे धीरे हमें नीचे आना है। उठाना नहीं है, इसको हिप्स को टच रखना है। थोड़ी देर इस पोजीशन में होल्ड करना है, उसके बाद हमें भुजंगासन में आना है। कंटिन्यूअसली ये हम 25 टाइम्स करेंगे। मैं आपको 5 टाइम्स करके दिखाऊंगी। 2, 3, 4, 5। ये हुआ फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हुई। उसके बाद हम करेंगे पर्वतासन। इसके लिए देखो हमें पर्वतासन में आना है, जितना हो सके उतना इस पैरों के इस साइड में स्ट्रेचिंग फील करना है। और इसी कंडीशन में हमें देखो इस तरह होल्ड करना है, और थोड़ा हाथ आगे लेके जाके इस तरह भुजंगासन करना है, लेकिन जमीन को टच नहीं करना है, बॉडी ऊपर ही रहेगी। 2, 3, 4 एंड 5। ये हमने सेकेंड एक्सरसाइज की है। इसके बाद अब मैं आपको थर्ड एक्सरसाइज बताती हूँ। देखो मैट के ऐसे लास्ट में हमें खड़े रहना है, हाथ को ऊपर लेके जाना है और टो को टच करना है। धीरे धीरे हमें वॉक करना है हाथ के सहारे। वापस भुजंगासन, फिर धीरे धीरे हमें सेम कंडीशन में पीछे आना है, होल्ड करना है कुछ देर और खड़ा होना है। ठीक है, इस कंडीशन में हम हाथ ऊपर लेके जाएंगे। देखो सेकेंड टाइम बता रही हूँ, धीरे धीरे हमें आगे आना है, फिर भुजंगासन, फिर पीछे। अब यहाँ से सीधा नहीं उठते हुए वापस जैसे आए थे वैसे भी हम उठ सकते हैं, या सीधा भी उठ सकते हैं। ठीक है, 2 टाइम हुआ, वापस से देख रहा हूँ। Five,
मसाला है ये, ऐसे मैंने आपको ये तीन एक्सरसाइज बताई है। ये जो तीनों एक्सरसाइज है बड़ी शांति से और प्रॉपर पोजीशन में करनी है। जैसे मैंने आपको बताया ये आप 5x5 के तीन सेट कर सकते हैं, तीन एक्सरसाइज है, तीन सेट करने ही हैं। एक तो 5x5 रिपीटेशन करो या 10x10 करो या 15x15 या 20 या 25, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना करना है। आप इजीली 5x5 कर सक रहे हो तो कोई मतलब नहीं, आपको फिर बढ़ाना है। एकदम कम क्वांटिटी वाले आप आराम से कर रहे हो तो उसमें आप 5 के बदले में 20 भी कर सकते हो। लेकिन जो बिगिनर्स है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जिनको एक्सरसाइज की आदत नहीं है, वो लोग सिर्फ 5x करके तीन तीन सेट 5x5 के कर सकते हैं। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज में हैं, वो हमेशा एक्सरसाइज करते हैं या कभी कभी भी करते हैं, तो उन लोगों ने तो 15 से 20 या 25 का एक सेट करना ही है, तो ही हमें फुल बॉडी में इसका इफेक्ट मिलेगा। चलो तो आज के लिए ये इतना ही है, हमें याद से स्ट्रेचिंग और वार्म अप करना है। आज के लिए इतना ही, तो हम कल वापस मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।